Hello everyone. Today in this class I am going to solve the exercise 14.3 which is based on the three dimension geometry. In this exercise we will discuss about the angle between two lines and the some condition observation based on the these two intersecting line. A meaning of the intersecting line, if we are trying to calculate the value of angle between two sides, then it is necessary that the line will intersect each other. तो अपना टॉपिक यही रहेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स. क्लियर? लेट सपोज एल वन एंड एल टू आर एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. L1 and L2 are any two intersecting lines, then डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन इतना यूजफुल नहीं है. फॉर्मूला होगा cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. ये मॉड्यूल इसका सिंपल है. ठीक है यहां तक? अब इनका रूट मीनिंग क्या होता है? ए वन क्या है, बी वन क्या है, सी वन क्या है, सिमिलरली ए टू बी टू आर एंड सी टू और क्या रहेंगे अपने. यहां पर ए वन बी वन एंड सी वन दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन. ए टू बी टू एंड सी टू दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकेंड लाइन. क्लियर? अब हमें बेसिकली इनके बीच में ये प्लेटफॉर्म मिल गया. अब माइंड में ये आता है कि डायरेक्शन रेशियोज जब अपने पास अवेलेबल होंगे तो अपनी लाइन की इक्वेशन ये होगी. अब सेकेंड में फॉर्मेट ये कि जब डायरेक्शन रेशियोज के अलावा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो तो फॉर्मूला क्या होगा. एक परफेक्ट रीजन, परफेक्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन रेशियोज की सिचुएशन में फॉर्मूला ये बनता है. और जब डायरेक्शन रेशियोज ना हो के डायरेक्शन कोसाइंस दे रहे होंगे, मीन्स एल एम एन की वैल्यू दे रखी होगी, तो उस सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा. बेसिकली किसी भी लाइन के लिए मान लो कि ये कोई वैक्टर है, आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के. ये कोई वैक्टर है, ठीक है. अब इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना हो. L1 मैंने A1 B1 इसलिए लिया क्योंकि ये सेकेंड लाइन के लिए भी करेंगे तो ये A2 B2 Z प्लस C2 K. L1 मैंने इसलिए लिया कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये होगा A1 वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर. यही होता है फॉर्मूला, है ना. L1 M1 का हो जाएगा B1 अपॉन, इसको अपन मैग्नीट्यूड ऑफ R भी बोल सकते हैं, और N1 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये L1 हो गए और ये क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो देखो ये डायरेक्शन रेशियोज हुए अपने पास. अब इनका म्यूचुअली रिलेट करते हैं. अब इनको म्यूचुअली रिलेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें cos theta is equals to, यहां पे मेंशन कर देता हूं, हियर ए वन बी वन सी वन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल वन एंड ए टू बी टू सी टू आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल टू. क्लियर है बात? अब जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हों, इफ द डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, देन एंगल इज इक्वल्स टू कोस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखना, ए वन अपॉन दिस ए वन, ये वाला होगा
एल वन, ठीक है। ए टू अपॉन दिस जो कि होगा एल टू, प्लस बी वन अपॉन दिस होगा एम वन, एंड बी टू अपॉन दिस एम टू, प्लस सी वन अपॉन दिस एन वन, एंड सी टू अपॉन दिस एन टू। ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट होगा। क्लियर बात यहां तक? तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन देन द एंगल will be is equals to cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into under root a2 square plus b2 square plus c2 square, where all these are direction ratios of the both of the lines. And then if the direction cosines are given, to l1 l2 plus m1 n2, m1 m2 plus n1 n2, और जो भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करके cos theta अपन अप्लाई कर देंगे और जो भी बनेगा अपना एंगल बनेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड, ये मॉड्यूलस अप्लाई करने के पीछे रीजन क्या रहा। मान लो ये एंगल आता है, cos theta की वैल्यू लेस देन 90 होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, मोर देन 90 होगी तो नेगेटिव होगी। आप मॉड्यूलस अप्लाई नहीं करते तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भी तो वैल्यू cos theta की, ये भी तो एंगल ही बन रहा है ना दोनों लाइन के बीच में। ये मान लो कि थीटा इज लेस देन 90 एंड दिस, यदि ये लेस देन 90 होगा तो ये डेफिनेटली 180 माइनस थीटा बनेगा, और जो कि किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये भी तो एंगल cos theta का ही है, एंगल लाइन के बीच में ही तो एंगल बन रहा है। बात समझ में आई? ये भी एंगल लाइन के बीच में बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक निकल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा उसके लिए, इसलिए हम पहले से इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हुए चलते हैं। अब एक लाइन के एंगल कैलकुलेट करने के पास, एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस दी हुई होंगी क्वेश्चन में? थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल। फर्स्ट डायरेक्शन, फोर कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट डायरेक्टली द डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, देन यू विल यूज दिस वन फॉर्मूला। इफ द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, देन यू विल यूज दिस वन फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट अपने पास ये दोनों ही ना देके लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी हो सकती है, और वो भी टू टाइप से, इन द वैक्टर फॉर्मेट और द कार्टेशियन फॉर्मेट। तो वैक्टर फॉर्मेट में जब लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी तो देखो हम क्लियर करते हैं कि वैक्टर फॉर्मेट अपने पास ये होता है ए वन प्लस लैमडा बी वन, एंड आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर। तो ये अपनी किसकी इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पर a1 a2 क्या है, a1 a2 a point from our line is passing, ठीक है, and b1 and b2 vector are two vectors for which the line is, both the lines are parallel, means b1 is a vector of b1, एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड b2 is the another vector जिसके पैरेलल ये सेकंड वाली लाइन होगी, वेर लैम्डा एंड म्यू आर एनी टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये b1 एंड b2 जो वेक्टर होंगे इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज आपके इन दोनों लाइंस के होंगे। बात समझ में आई यहां तक? तो b1 b2, अब a1 का फॉर्मेट क्या हुआ, a1 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, एंड ए टू वैक्टर इज इक्वल्स टू आपका होगा, सॉरी ये होगा एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। ए टू होगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, एंड बी वन वैक्टर आपका होगा ए वन आई प्लस ए टू जे, सॉरी बी वन जे सी वन के, एंड बी टू वैक्टर आपका होगा ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। ये फॉर्मेट बनता है इन दोनों वेक्टर के लिए, ये रहा, और इन दोनों वेक्टर का ये वाला फॉर्मेशन बना। ये एक्स वन वाई वन एंड जेड वन वो पॉइंट है जहां से लाइन, फर्स्ट लाइन पास हो रही है, एंड एक्स टू वाई टू एंड जेड टू आर द पॉइंट्स फ्रॉम विच द सेकेंड लाइन इज पासिंग। अब ए वन बी वन एंड सी वन ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर अलोंग विद द लाइन ऑल्सो, एंड ए टू बी टू आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वन वेक्टर अलोंग विद द सेकेंड लाइन ऑल्सो।
बात समझ में आई। अब यहां से यदि अपन को फॉर्मूला बनाना हो तो वेक्टर फॉर्मेट दे रखा हो तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अपने पास। इस देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या हुआ आपका, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम बोल सकते हैं cos थीटा, लिख लेना, इफ द लाइंस आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्मेट, इफ द लाइन्स आर गिवन इन वैक्टर फॉर्मेट देन कोस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर b1 एंड b2, क्लियर, अपॉन इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर b1 एंड इट सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर b2। यहां पर डॉट प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। बात समझ में आई यहां तक, cos थीटा हुआ। और यदि आपको कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है लाइन का, तो कार्टेशियन फॉर्मेट में ये आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल होंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज लो, ये फॉर्मूला यूज लो, ये फॉर्मूला यूज लो, सभी में आंसर आपके सेम ही आने हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब आगे की बात करते हैं, इनमें कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लाइंस आर पैरेलल। देखो थ्री केसेस बनते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस थ्री डी में, मैं टू डी की बात नहीं कर रहा हूं, थ्री डी की बात कर रहा हूं, टू डी में भी थ्री रिजल्ट होते हैं और थ्री डी में भी अपने थ्री रिजल्ट होते हैं। टू डी के जो रिजल्ट होते हैं, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, बट इन द 3D लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल एंड लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल। तो नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मीनिंग आप सभी जानते हो, पैरेलल का मतलब आप सभी जानते हो, और नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल का मतलब होता है स्क्यू लाइंस, उनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो उनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल उस सिचुएशन में हम टेंथ में भी पढ़े थे कि वेरिएबल के जो कोफिशियंट्स हैं उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। मीन्स अपन ने क्या डिस्कस किया था, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर वेरिएबल के कोफिशियंट्स क्या थे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, यहां पर थ्री वेरिएबल्स हैं x, y, and z, देन कोफिशियंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Lines are parallel, then a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. ये condition होगी कब, जब आपके line क्या होंगी, parallel होंगी, और we can say that in this case theta is equals to 0 degree। बात समझ में आ गई, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द फॉर्म्ड एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द लाइंस विल बी 0 degree एंड द कंडीशन विल बी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। द नेक्स्ट केस, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1, देखो ये तो डायरेक्टली यहां से पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री देन कोस 90 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ये क्रॉस में चला जाएगा तो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, कब, जब थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री। और एक यहाँ से भी यहाँ रखेंगे तो एक ये केस भी बन सकता है, L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस रहा, सारे के सारे हर एक रिजल्ट मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं, इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पे भी अपन ने लाइटली इन पे डिस्कस कर लिया है, मीन्स कंटेंट पूरा हुआ। आई होप सो यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर टू देयर, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 from very first question, and the given question is find the angle between these two lines.
अब देखो क्लियरली हमें यहाँ से ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि जो लाइन दे रखी है वो हमें किस फॉर्मेट में दे रखी है, वो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है। तो यहाँ पर ये x1 y1 z1 है, यहाँ से x2 y2 z2 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि z2 जीरो हो जाएगा। दीज आर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c1 व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो अब बात करते हैं इनके लिए अपन वेक्टर्स की। तो ही फॉर द गिवन लाइंस, फॉर द गिवन लाइंस वेक्टर b1 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 2k, क्योंकि हमें लाइन कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अब हमें लाइन की एंगल कैलकुलेट करना है, देन cos थीटा एंगल बिटवीन बोथ द लाइन्स। फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, cos थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन सॉरी कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। अब हमें b1 b2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेपरेटली कर लेता हूँ। b1 डॉट b2 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k, रिजल्ट विल बी 3 वन जा 3, 2 टू जा 4 एंड 6 टू जा 12, ये आया 7 इज इक्वल्स टू 19। And now what we have to calculate, magnitude of vector b1 is equals to under root 9, 4, 36 is equals to 7. 7 आएगा, 40 हुआ 949. And magnitude of vector b2 is equals to under root 144, 144 is equals to 3. ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 21. Then cos theta is equals to magnitude of 19 अपॉन 3 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 21। बेसिकली ये पॉजिटिव है तो अपन 19 अपॉन 21 लिख सकते हैं। एंड थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा आपके पास क्वेश्चन, टू लाइन्स आर गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ दीज लाइन्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स अपॉन 2 is equals to y upon 2 is equals to z upon 1 and second line is x minus 5 upon 4 y minus 2 upon 1 is equals to z minus 3 upon 8. These two lines are given. Or what we have to calculate? We have to calculate angle between these both of the lines. तो पहले तो इनके लिए यही अपन कैलकुलेट करेंगे, या फिर अपन यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं। a1 क्या होगा, ए वन इज इक्वल टू 2, बी वन इज इक्वल टू 2 एंड सी वन इज इक्वल टू 1, ए टू इज इक्वल टू 4, बी टू इज इक्वल टू 1 एंड सी टू इज इक्वल टू 8। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू कहाँ से मिलेंगे हमें। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, एंगल हमें कैलकुलेट करना है, लैंग्वेज लिख लेना, क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर b1 square c1 square into a2 square b2 square c2 square, ये रहेगा। then cos theta is equals to magnitude 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 8 upon 4 4 1 9, तो लिख डायरेक्ट लिख दो 3, या फिर चलो एक स्टेप कर लेता, अंडर रूट 9, अंडर रूट 64, तो 70 हुआ 71, सही ना, 81। ये तो बनेगा आपके पास 16, 18 अपॉन यहाँ से आएगा 3 एंड 9 27 एंड थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 18 अपॉन 27। सो बोथ ऑफ द क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड, आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बिफोर दैट पोज दिस एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1 2 एंड 3 4 माइनस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग पासेज थ्रू द पॉइंट मीन्स टू लाइन्स आर गिवन एंड वॉट वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट द बोथ ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देखो फर्स्ट लाइन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड टू लाइन्स आर हियर फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू The first line is passing through point 1 comma minus 1 comma 2 and 3 4 minus 2 क्लियर है. तो अब इसकी पहले हमें इक्वेशन तो पता चले इक्वेशन क्या होगी. अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस या फिर इसका कार्टेशियन फॉर्मेट या फिर वेक्टर फॉर्मेट कुछ भी नहीं दे रखा है हमें बस दो पॉइंट दे रखे हैं. सो व्हाट विल द इक्वेशन अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1. x minus x1 यहाँ से upon 3 minus 1 is 2 is equals to y plus 1 कर दूँ क्या direct upon 4 plus 1 is 5 is equals to z minus 2 upon minus 4. बात समझ में आई. तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहां से अपन ये बोल सकते हैं हियर 2 इज इक्वल्स टू ए वन 5 इज इक्वल्स टू बी वन एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू सी वन. एंड सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स टू पॉइंट्स आर जीरो थ्री टू एंड थ्री फाइव सिक्स. दीज टू पॉइंट्स आर गिवन फॉर द सेकेंड लाइन. अब देखो सेकेंड लाइन इन पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन यहीं से बन जाएगी. एक्स माइनस जीरो तो हटा दूं अपॉन थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू थ्री. वाई माइनस वाई वन इज थ्री अपॉन फाइव माइनस थ्री इज टू इज इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन फोर. ये बनी आपकी इक्वेशन. और हेयर थ्री इज इक्वल टू बी ए टू 2 is equals to B2 and 4 is equals to C2. Clear बात यहाँ तक. अब इन दोनों अब हमें ये बताना है कि line क्या है perpendicular है. If the lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, इसका मीनिंग क्या निकलेगा. If the two lines are perpendicular, that's mean. मीनिंग क्या होगा इसका कि ए वन ए टू देन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए. ठीक है यहां तक ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू रिजल्ट जीरो आना चाहिए. तो हम पहले सॉल्व करते हैं. सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं. ए वन ए टू टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री प्लस 5 into 2, 5 into 2 plus minus 4 into 4. यह आया 6, 10 minus 16 is equals to 0. Therefore, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equals to क्या मिला हमें 0. Then, the lines are perpendicular. Okay, student. I hope so. It is enough for the today's class. Remaining portion we will discuss in the next video. Suppose the video are noted down.